स्टूडेंट, आज हम लोग डेबिट एंड क्रेडिट्स के बारे में बात करेंगे। कॉमर्स के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम डेबिट और क्रेडिट में होता है। सर, किसे डेबिट करना है, किसे क्रेडिट करना है, सर इसका तरीका क्या है? तो आज हम लोग इसी से रिलेटेड एक वीडियो डालने वाले हैं, जिसमें सारे बच्चों की जो भी कन्फ्यूजन है वो सारे की सारी सॉल्व हो जाएगी और उनको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सर डेबिट और क्रेडिट। तो बोलते हैं सर, डेबिट एंड क्रेडिट करने के लिए दो अप्रोच है। तो फर्स्ट को हम लोग बोलते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच और सेकेंड को बोलते हैं मॉडर्न अप्रोच या फिर अमेरिकन अप्रोच। तो आज का जो वीडियो है वो हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में है और नेक्स्ट वीडियो हमारा मॉडर्न अप्रोच के बारे में होगा। तो सर, ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग हम लोग किसी भी चीज़ को कैसे डेबिट और क्रेडिट करते हैं, इससे रिलेटेड आज हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले सर, ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग हम लोग अकाउंट्स को दो भाग में क्लासीफाइड करते हैं। फर्स्ट पर्सनल अकाउंट एंड सेकेंड इज इम्पर्सनल अकाउंट। फर्स्ट पर्सनल अकाउंट एंड सेकेंड इम्पर्सनल अकाउंट। तो सर, व्हाट डू मीन बाय पर्सनल अकाउंट? तो इसकी हम लोग थोड़ी देर बाद बात करते हैं। तो सर, पर्सनल अकाउंट थ्री टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट नेचुरल पर्सनल अकाउंट, सेकेंड आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड थर्ड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट मीन्स ऑल टाइप ऑफ ह्यूमंस बींग, जितने भी तरह के ह्यूमंस बींग हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। एग्जाम्पल राम, सीता, मोहन, सोहन, जोनी, मोनी, जितने भी तरह के नाम हैं सभी को हम लोग कहते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट। सेकेंड आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट मीन्स ऑल टाइप ऑफ कंपनी, निगम, क्लब, ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी तरह के कंपनी हो, निगम, ऑर्गेनाइजेशन, क्लब, उसे हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। एग्जांपल बैंक, LIC, LG, टाटा, जैक, झारखंड एकेडमी काउंसिल, CBSE, तो इस तरह के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं हम लोग सभी को आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहते हैं। और थर्ड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो आप लोग मूवी देखते होंगे, तो मूवी हर किसी को पसंद है, उसमें एक बड़ा गुंडा होता है और उसके छोटे छोटे चेला चपाटी होते हैं, छोटा छोटा गुंडा। तो छोटा छोटा गुंडा क्या करता है, हमेशा अपने मालिक को फेवर में बात करता है, तुम जानता हूँ किसका आदमी है। तो डैट मीन्स उसका अपना कोई वैल्यू नहीं है, वो अपने बॉस के बल पे वो अपने बॉस को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरीके से हमारे अकाउंट्स में भी कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनका अपना कोई वैल्यू नहीं है, वो हमेशा किसी ना किसी दूसरे को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह के वर्ड को हम लोग कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, डैट मीन्स हु रिप्रेजेंट टू अदर पर्सन। और ये कॉमर्स में मात्र चार वर्ड ही बने हैं, कैपिटल, ड्रॉइंग, प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग। कैपिटल और ड्रॉइंग अपने ओनर को रिप्रेजेंट करते हैं, डैट मीन्स अगर ओनर बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं, डैट मीन्स कैपिटल, अगर ओनर बिजनेस से पैसे को विड्रॉ करते हैं, पैसा निकालते हैं, तो वो उसे ड्रॉइंग रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरीके से सर, प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग, अगर हम सिंपल सा बात करते हैं आउटस्टैंडिंग, तो व्हाट इज आउटस्टैंडिंग, इसका कोई मतलब ही नहीं होता है, ठीक है, इसे हमको बोलना होगा आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, दैट मींस रेंट ड्यू है, सैलरी ड्यू है। तो ये हमेशा किसी ना किसी को रिप्रेजेंट करते हैं और ये कॉमर्स में चार वर्ड हैं, ड्रॉइंग, कैपिटल, प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग। तो इन तीनों को आपस में प्लस कीजिएगा तो हमारा बन जाएगा पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट मीन्स, अब आंसर आपके सामने है, ऑल टाइप ऑफ ह्यूमंस बींग, ऑल टाइप ऑफ आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट इज कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। इसका जो रूल होता है वो सिंपल सा है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इसमें से जो भी पर्सन पैसे को रिसीव करेंगे उसे हम लोग डेबिट करते हैं और जो पर्सन पैसे को देते हैं उसे हम लोग क्रेडिट करते हैं। अब हम लोग इसके सेकेंड पार्ट के बारे में बात करते हैं, जिसे हम लोग इम्पर्सनल अकाउंट के नाम से जानते हैं। तो सर, इम्पर्सनल अकाउंट्स को भी हम लोग दो भाग में क्लासिफाइड करते हैं, फर्स्ट रियल अकाउंट, सेकेंड इज नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट मींस ऑल टाइप ऑफ एसेट्स, चाहे वो टेंजिबल हो, इनटेंजिबल हो, किसी भी तरह के एसेट्स होते हैं उसे हम लोग कहते हैं रियल अकाउंट। एग्जाम्पल
कैश, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, ईटीसी, जितने भी तरह के एसेट्स हैं, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे इनटेंजिबल। तो सर रियल अकाउंट्स का जो रूल होते हैं डेबिट क्रेडिट करने के लिए, उनका रूल है डेबिट व्हाट्स कम इन क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, मतलब जो एसेट्स आपके पास आएंगे उसे डेबिट कीजिए और जो एसेट्स आपके पास से जाएंगे उसे क्रेडिट कीजिए। दैट मीन्स डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। सेकेंड नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट मीन्स ऑल टाइप ऑफ खुशी और गम। आपके लाइफ में बिजनेस में जितने भी खुशी और गम होते हैं उसे हम लोग नॉमिनल अकाउंट कहते हैं, नॉर्मली समझने के लिए। नॉमिनल अकाउंट ऑल टाइप ऑफ लॉस, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड गेन, जितने भी तरह के लॉस हो, हानि हो, प्रॉफिट हो, गेन हो, सभी को हम लोग कहते हैं नॉमिनल अकाउंट। एग्जाम्पल परचेज, सेल, सैलरी, रेंट, वेजेज, डिस्काउंट, इंटरेस्ट, ईटीसी, उसमें और बहुत सारे आइटम हैं। तो सर इसे डेबिट क्रेडिट करने का रूल क्या है? तो डेबिट ऑल लॉस एज एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल प्रॉफिट एंड गेन्स, मतलब जितने भी आपके लॉस और हानि है उसे डेबिट कीजिए और जितने भी प्रॉफिट और गेन है उसे क्रेडिट कीजिए। तो ये कॉमर्स का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसमें बच्चों को डेबिट और क्रेडिट करना सिखाया जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग मॉडर्न अप्रोच के बारे में बात करेंगे कि सर मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग हम लोग किसी भी चीज़ को डेबिट और क्रेडिट कैसे करते हैं।